अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी माशाल्लाह मदीना पाक की जो न्याज वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा आ रही होना शुरू होगी। अभी ये पहले आपको दिखा रही हूँ पर्पल आर्ट, ये भी माशाल्लाह अभी हरा भरा हो चुका है, माशाल्लाह रात उन्हें पर्पल हो चुका है। ये देखें, ये दोनों कोनों में ना क्यारी के दोनों कोनों पे मैंने पर्पल आर्ट के पौधे रखे हुए। ये देखें मैरी गोल्ड के भी माशाल्लाह फूल आए हैं, क्योंकि ये छाँव में पड़े हुए हैं और पर्पल आर्ट के ऊपर भी फूल आ चुके हैं माशाल्लाह। ये देखें तो पर्पल आर्ट की जितनी ज़्यादा आप टहनियाँ लगाएंगे इतने ज़्यादा ये फैलेगा। तो आज ये है कि मैंने आपको दिखाना है कि मदीना पाक की जो न्याज वो है वो ना पिछले दिनों सर्दी के मौसम में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, सूख गए थे बिल्कुल उसके पौधे। तो जो ये है कि जो बीज साथ गिरते रहे तो वो अल्लाह के हुक्म से जो है ना फिर दोबारा आ गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कुछ इसके पौधे बड़े बड़े हो चुके हैं जो पहले निकले हैं, और कुछ अभी ये देखिए और आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए माशाल्लाह क्यारी में ना ये क्यारी पूरी जो है ना इतने थे बड़े पौधे थे मदीना पाक की न्याज बो के, और भरा हुआ था बिल्कुल ना, ये क्यारी गरीब थी और बड़े बड़े पौधे थे और इतनी खुशबू थी कि ऐसे पास से गुजरे हाथ लगाएं तो इतनी खुशबू इसकी होती थी। कुछ दिनों के बाद ये देखें और बड़े हो रहे इसी क्यारी में, अब जो पहले बड़े थे वो और ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, और जो छोटे बड़े निकल रहे थे ना पौधे वो भी देखें। ये देखें माशाल्लाह ये अभी काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ये अभी गर्मियों में देखें इतनी ज़्यादा धूप है, और जिन पौधों ने हरा भरा होना है वो गर्मियों में भी होते हैं। अभी ये देखें कुछ दिनों के बाद इसके ऊपर फूल भी आपको नज़र आया है, फूल भी आ चुका है एक, और ये और बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसके ऊपर जो फूल आया हुआ है। तो आज मैंने आपको दिखाया कि न्याज बो के पौधे जो ख़त्म बिल्कुल हो चुके थे और वहाँ पे बीज गिरते रहे वो दोबारा माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से न्याज बो फिर उग गई, और उसके ऊपर माशाल्लाह फूल भी अभी आया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फी अमान अल्लाह।